तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप आ चुके हो और ब्रैंड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको गॉड ऑफ वॉर 3 गेम अपने एंड्रॉयड में प्ले करके दिखाने वाला हूं, जो कि PS3 और PS4 में चलता है, वो अपने एंड्रॉयड में खेल के दिखाने वाला हूं। और ये आप गेम प्ले प्रूफ तो देख ही सकते हो, बिल्कुल ही रियल चल रहा है। मैं इसको खेल रहा हूं गॉड ऑफ वॉर 3 को अपने एंड्रॉयड में। अगर आप गॉड ऑफ वॉर 4 को भी खेलना चाहते हो तो वो उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना ज़रूर से। तो ये PC और PS4 के जो उसमें चलते हैं ना, उसमें चलता है ये गेम, और मैं आपको ये एंड्रॉयड में चला के दिखाने वाला हूँ, 100% रियल है। इसी बात पर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन ऑल पे नहीं किया है तो बेल आइकन भी कर लेना ऑल पे, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और एक कमेंट करके भी बताना आपको गॉड ऑफ वॉर की सीरीज कैसे लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पे। तो अभी आपको गेम कैसे डाउनलोड करना है, भाई कैसे खेलना है गेम अपने एंड्रॉयड में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरी फुल एंड तक वॉच करें, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आप अल्टीमेट टाइम के लिए नहीं खेल सकते। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप सर्च कर लें, बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, उससे आप खेलेंगे गॉड ऑफ वॉर 3 अपने एंड्रॉयड में। तो हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है गेम CC। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया गेम CC। तो अब यहाँ पे हमें सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसमें हम खेलेंगे। अब वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यार आपने शुरू में गेम प्ले तो देखा ही होगा, 100.1% यार रियल है। अब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं आते, ऐसे चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो लाते हैं। तो अभी हम इसको सिंपली इंस्टॉल होने देते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बस हमारा इंस्टॉल होने वाला है, ये हो चुका है अब हमारा इंस्टॉल। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आप इसके अंदर कैसे खेलेंगे। और इसमें तो ज़्यादातर वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलती है, अगर आप सुबह सुबह के टाइम खेलेंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलेगी। तो अभी हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें एग्री कर देना है, एग्री पे क्लिक करने के बाद हमें साइन इन करना है। और अब मैं आपको अल्टीमेट टाइम वाली ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ से आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद अब आप अल्टीमेट वाली ट्रिक कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अल्टीमेट ट्रिक लगाने से लिए हमें सबसे पहले इसको काट देना होगा बीच से, मतलब होम स्क्रीन पे आ जाएं, डायरेक्ट होम बटन दबा के और क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर लें, वहाँ पे सर्च कर लें एक वेबसाइट जिससे आप अल्टीमेट वाली ट्रिक लगा सकते हैं। अभी मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है टैंप मेल, या वेबसाइट सर्च कर लें आ जाएगी, या चुकी है, बहुत ही काम की वेबसाइट है, फेक मेल दे देती है, और आप इसमें अपने आराम से अल्टीमेट टाइम के लिए गेम खेलो। तो यानी क्या, जो पहली वाली आए ना, पहली वाली को आप डिलीट मार दें, मेल को इसको डिलीट मार दें, यूज़ भी आती है बेकार, उसमें ज़्यादातर ट्रिक काम भी नहीं करती, इसलिए आप उसको डिलीट मार दें। जो दूसरी आए मेल उसकी आप कॉपी करें, जैसे कि आ चुकी है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, वहाँ पे आके पेस्ट सिंपली कर दूँगा, ज़्यादा कठिन नहीं है इसको अल्टीमेट टाइम पर खेलना। बस ये पेस्ट कर दिया, आपने रोबोट पे टिक कर देना है, टिक होने के बाद नीचे सेंड कैप्चा पे दबा देना है, सेंड कैप्चा पे दबा देना है, यहाँ पे उधर ही आ जाना है उस वाली वेबसाइट पे ही, यहाँ पे उसने कैप्चा भेजा होगा एक। तो अब यहाँ पे एक दो सेकंड वेट कर लेते हैं, कितनी जल्दी आ गया, बहुत फास्ट आ जाता है। तो आने के बाद यहाँ पे हमें उस कैप्चा को कर लेना है कॉपी, कोड होगा एक, हमें इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ पे आके कर देना है पेस्ट। तो ये अब हमारा हो चुका है। यहाँ पे अपने कोई सा भी पासवर्ड रख दें, कि स्ट्रॉन्ग सा है, कैसा भी रख दें, पासवर्ड रख दें। रखने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, साइन इन पे क्लिक करना है, नीचे साइन इन ईमेल पे करना है, यहाँ पे अपने जो कॉपी करी थी ईमेल, मतलब वॉइस वाली ईमेल, यहाँ से कॉपी करके डाल देना है। तो अभी मैं इसी वाली वेबसाइट में आ जाता हूँ, यहाँ से आने के बाद इसी वाली ईमेल को फिर से कॉपी करना है एक बार,
और वहीं पे आके पेस्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है आपको अकाउंट बनाना। तो ये हो चुका है, मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ। जो वहाँ पे पासवर्ड डाला था आपने ना, वही साल आपको पासवर्ड डालना है, वरना आपका होगा नहीं। यहाँ पे हमें इस पर लेटर पे टिक कर क्लिक कर देना है, यहाँ पे यूज़ नाउ। इससे हमें होगा क्या, कूपन मिल जाएगा। कूपन बहुत फ़ायदे का होता है। तो भी मैं गेम सीसी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें गेम कैसे खेलना है, नीचे दबाना है, वो दूसरे नंबर पे जो है उसको दबा देना है। अब आपको गेम कौन से वाले में मिलेगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो गेम के लिए आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आते रहना है। वहीं पे आपको एक स्पाइडरमैन का मिलेगा, उसके अंदर ही हमारी गॉड ऑफ वार की गेम होगी। तो अभी मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, मैं आपको बता दूँगा, आप उसी वाले पे आएँ, उसी के अंदर हमारी गॉड ऑफ वार की गेम है। और भी इसके अंदर है लेकिन मुझे इसके अंदर ही ली, तो मैं आपके लिए ये ले आया। तो ये हमारा आ चुका है स्पाइडरमैन का F42, हमें इसके अंदर ही मिलेगी गॉड ऑफ वार की गेम। तो हमें इस पे रेंट कर लेना है, रेंट एनीवे पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर से नीचे रेंट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आप अपने क्रेडिट्स ले लें, थोड़े से 40 या 41 क्रेडिट्स लेते हैं शायद से। हाँ, आप ऐड देखें और ऐड के आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ऐड पे क्लिक कर देना, मतलब ऐड अ क्रेडिट पे, आपके क्रेडिट बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। तो अभी मैं रेंट इसको ले लेता हूँ रेंट पे। यहाँ पे इसको हमें कंफर्म कर लेना है, यहाँ से कंफर्म कर लेना है, कनेक्ट टू कनेक्ट। अभी ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, अभी हमें इसको होने देते हैं। अभी इसके बाद हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। यार चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो लाते हैं। तो ये अभी हो चुका है हमारा, PS4 वाले को दबाना है, रिज्यूम को दबाना है, फिर से हमें इसको कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा कंसोल खुल चुका है PS4 का बिल्कुल ही, अब इसके अंदर आप गेम खेल सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ गेम कैसे खेलते हैं। अभी मैं कोई और सी गेम खेलेगी स्पाइडरमैन की, हमें नीचे उसको दबा देना है, नीचे बटन दिख रहे हैं 3 लाइन और उसके बराबर में उसको दबा देना है। और कुछ ऐसे इस पर आ जाएंगे, हमें यहाँ से गॉड ऑफ वार को दबा देना है। यहाँ से मैं गेम स्टार्ट कैसे होगी, एक को नहीं दबाना, जैसे मैंने भी पहले एक को ही दबाया था, हमारी गेम स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही थी। आपको दबाना है बी को, देखो ए से बिल्कुल गेम स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए आप बी को ही दबाएँ। बी को दबाने के बाद बी को दबा दे रहे हैं और हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं हमारी गेम स्टार्ट हो गई। अब आप गेम को एंजॉय करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को भी लाइक कर दो, क्या ही कर रहे हो। तो अभी हम इसको ओपन होने देते हैं, इसके बाद तो हम आपको थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा देते हैं, फाइटिंग भी दिखा देते हैं थोड़ी सी आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए। आप में वैसे ही लैग तो नहीं होगी बिल्कुल भी आपके में, अगर आपके इंटरनेट स्लो होगा तो आपके में थोड़ी थोड़ी सी लैग हो जाएगी। मेरा इंटरनेट ज़्यादा फास्ट नहीं चलता, ठीक चल जाता है। तो अभी देख सकते हैं हमारा आ चुका है गेम स्टार्ट। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ, न्यू गेम कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ अभी। तो अभी हमारा थोड़ा सा कट सीन आया है, तो आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल ही रियल है गॉड ऑफ वार 3 है, बिल्कुल ही रियल हम अपने एंड्रॉयड में खेल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, लाइफ प्रूफ है यार ये। अब हमारा थोड़ा सा कट सीन चल रहा है, तो अभी हम होने देते हैं, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा देते हैं फाइटिंग वीटिंग करते हुए, ताकि आपको यकीन हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और आप गेम प्ले इंजॉय करो, आप गेम की फाइटिंग दे दो। और मैं बस आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय। Our mountain emerged out of the chaos. Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! The Titans will fail again!